दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक राजा और आप देख रहे हैं दीपारती न्यूज। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र की बात करने वाला हूं। महाराष्ट्र में बाला साहब के बाद अगर कोई बेबाक अंदाज में अपनी बात रख सकता है तो वो राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे महाराष्ट्र नर निर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष हैं। उन्होंने रमजान के महीने में अजान और नवाज को लेकर ऐसी बात कह दी जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। साफ गोई और बेबाक तरीके से बयान देने वाले मनसे नेता राज ठाकरे के बयान का मैं विश्लेषण करूं, उससे पहले वीडियो देख रहे दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अब तक दीपारती न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों महाराष्ट्र में फायर नेता के रूप में राज ठाकरे जाने जाते हैं। वो अपने आक्रामक बयानों की वजह से हमेशा विवादों में रहते हैं। अपने आक्रामक बयान की वजह से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र नर निर्माण सेना यानी मनसे की एक रैली आयोजित थी। उस रैली में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी की प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूँ, अपने घर पर हर कोई प्रार्थना कर सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर लगाकर तेज आवाज से आसपास के लोगों को परेशान करना गलत है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि मस्जिदों से फौरन लाउड स्पीकर हटाने का काम शुरू कर देना चाहिए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा अगर मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को तेज आवाज में बजाना बंद नहीं किया जाता है और वहां से लाउड स्पीकर जल्दी नहीं हटाया गया तो हम भी मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा देंगे और दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। मशीनवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिनीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मस्जिद के बाहर लगने वाले लाउड स्पीकर और उससे हो रही परेशानी को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने जो बयान दिया वह केवल राज ठाकरे का बयान नहीं है। वह केवल मुंबई शहर और महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जहां भी मस्जिद है उसके आसपास रहने वालों का दर्द है, जिसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपनी आवाज में दर्द को बुलंद किया ताकि सत्ता में बैठे लोगों को आम जन की तकलीफ महसूस हो सके। मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग पर ध्यान देने के बजाय महाराष्ट्र सरकार बयान पर राजनीति करने में जुट गई है। सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मनसे का बयान बीजेपी द्वारा लिखित और प्रायोजित था। वहीं सत्ता में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने कहा राज ठाकरे 3 से 4 महीने सोए रहते हैं, अचानक से भाषण देने के लिए जग जाते हैं, यही उनकी खासियत है। भारतीय जनता पार्टी का ही लाउड स्पीकर कल शिवाजी पार्क में बज रहा है, उनका स्क्रिप्ट था, सबको ऐसा लगता है, लोगों के मन में ऐसा है कि उनका स्क्रिप्ट था, उनका ही लाउड स्पीकर है, तालियां भी उनकी थी और घोषणाएं भी उनकी, तो उसके ऊपर अगर बात ना करे तो ये महाराष्ट्र की रक्षा है। आपने देखा एक समझी आई कि बरेच वर्ष एक तो हुरीगे झाले असं काही अंदाज येत नव्हता कोणाला, त्यामुळे ठाकरे महाराष्ट्र एक 2-4 महिने कुठेही हुरी घेत होतात आणि एखादं व्याख्यान देऊन वोट बैंक बचाए रखने की चाहत में भले ही मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बयान पर राजनीति हो रही हो, लेकिन हमारे दर्शकों को याद होगा प्लेबैक सिंगर सोनू निगम का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने अजान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी नींद खराब होती है, ये एक तरह से गुंडागर्दी है। उस ट्वीट के बाद लोगों ने सोनू निगम को अपने निशाने पर ले लिया था। धार्मिक कार्यों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर ट्वीट के बाद सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी किया गया। सोनू निगम पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया।
उसके बाद सोनू निगम स्वयं गंजा होकर घूमने लगे थे। कुछ लोग इस मामले को लेकर कोर्ट चले गए, जिस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यवस्था दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली और माइक्रोफोन नहीं थे। लाउडस्पीकर से अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भी लाउडस्पीकर से कान फोड़ू आवाज क्यों गूंजती है? आखिर कब तक कान फोड़ू आवाज से मुक्ति मिलेगी? क्या ध्वनि प्रदूषण एक्ट सिर्फ दिखावे के लिए है?